ब्रेकिंग की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। सोनीपत से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हरियाणा दौरे पर रहेंगे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल। सोनीपत, पानीपत और करनाल में मनोहर लाल दौरा करने वाले हैं। कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, कई कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं सोनीपत से। ये बड़ी जानकारी, हरियाणा दौरे पर रहेंगे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, सोनीपत, पानीपत और करनाल में का वो दौरा आज करने वाले हैं। कार्यकर्ताओं से मुलाकात और कई कार्यक्रमों में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल शिरकत करेंगे। तो कई कार्यक्रम आज हरियाणा में उनके रहने वाले हैं। आपको बता दें कि सोनीपत, पानीपत और करनाल में आज उनका दौरा है। साथ ही कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और कई कार्यक्रमों में शिरकत भी करेंगे। तो हरियाणा दौरे पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। सोनीपत, पानीपत और करनाल में रहेंगे मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, और साथ ही कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। तो सोनीपत की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हरियाणा दौरे पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और ये सोनीपत की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पानीपत और करनाल में भी रहेंगे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, कई कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। हरियाणा दौरे पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल सोनीपत, पानीपत और करनाल में रहेंगे और साथ ही आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, कई कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। सोनीपत से लाजपत फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। लाजपत, देखिए सोनीपत की तस्वीरें मैं फिलहाल देख पा रही हूं। कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और क्या कुछ आज खास रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए दिल्ली से निकले हैं और करनाल तक जाना है उनको, देश के सबसे बड़े हाईवे पर जो है कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए और उनका मनोबल मजबूत करने के लिए, क्योंकि आगामी चुनाव है, उस चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात और उनको मूल मंत्र देते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि अभी कुंडली से और निकल चुके हैं और जो बीजेपी कार्यालय था वहां से निकल चुके हैं, दो जगह की मुलाकातें हो चुकी हैं। अब देख गन्नौर, इसके बाद गन्नौर होनी है, फिर इस्तेमाल का होनी है, तो करनाल तक आज जोड़ा रहेगा। करनाल जो हाईवे है इस पर सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात रहने वाली है और लगातार आपको बता दें कि आगामी जो चुनाव है उसको मजबूत करने के लिए हर एक तरह का जो वादा जो है वो कार्यकर्ताओं से करते हुए नजर आए हैं। इसमें देखना यही होगा कि कार्यकर्ताओं का मनोबल जो है उसको मजबूत करने के लिए जो पहुंच रहे हैं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, उन्होंने साफ कहा है कि जो ये मजबूत अपने आप को रखते हैं, क्योंकि अभी आगामी चुनाव है तो हमारे पास समय भी कम है, लेकिन हर तरीके से हमें मजबूत रहना है। जी, फिलहाल लाजपत सोनीपत की तस्वीरें मैं देख पा रही हूँ। अभी फिलहाल क्या शेड्यूल है? क्या सोनीपत से केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल निकल चुके हैं पानीपत या करनाल के लिए? क्या कुछ ताजा जानकारी इसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए मैंने बताया आपको कल कुंडली जो कार्यकर्ता से मुलाकात हो चुकी है, बीजेपी कार्यालय पर मुलाकात हो चुकी है, अभी गन्नौर पहुंच चुके हैं, इसके बाद जो सिमालका पहुंचेंगे, फिर पानीपत पहुंचेंगे। तो इस तरीके का देश के जिस ये हाईवे है जो चंडीगढ़ तक जाने वाला है और दिल्ली से निकलकर लगातार जो अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। सोनीपत के जितने भी पॉइंट बनाए गए थे उन पर सभी से मुलाकात हो चुकी है। जी, फिलहाल मुलाकात के दौरान क्या कुछ खास रहा इस वक्त? किस तरीके की तस्वीरें देखी गई जब वो सोनीपत पहुंचे? जी बिल्कुल, देखिए कार्यकर्ताओं ने जोश दिखाई दिया और मजबूती दिखाई दी, अब आगामी चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाते हुए नजर आए। जी हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से तस्वीरें भी देख पा रही हूँ लाजपत, कार्यकर्ताओं में भारी जोश भी देखा गया है और जिस तरीके से अगर बात की जाए पिछले 9 सालों की, जब केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल मुख्यमंत्री थे उस वक्त भी कार्यकर्ताओं में उसी तरीके से जोश देखा जा रहा था जो अब फिलहाल देखा जा रहा है, किस तरीके की तस्वीरें रही? और कमल के फूल के लिए काम किया जाता है और जो कार्यकर्ताओं को समझाया जाता है ये यही समझाया जाता है कि कमल के फूल के साथ सब रहने वाले हैं और कमल के फूल के साथ कार्यकर्ता मजबूत रहे और सभ्यता रखे, क्योंकि सभ्यता जो है कार्यकर्ता जो है बीजेपी के उन्हीं के अंदर झलकती है, अन्यथा विपक्ष पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनके अंदर जो चीज नहीं दिख पाती जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं में दिखाई देती है। जो जोश के साथ लड़ने का जो जज्बा है वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं में दिखाई देता है, विपक्ष के जो कार्यकर्ता है उनमें वो चीज नहीं दिखाई देती जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं में दिखाई देता है, क्योंकि कमल के फूल के साथ जुड़े रहते हैं, क्योंकि एक
व्यक्ति के साथ नहीं जुड़े रहते हैं, वो कमल के फूल के साथ कार्यकर्ता जुड़े रहते हैं। जी तो बिल्कुल, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जिस तरीके से उन्होंने मुख्यमंत्री के पद पर रहकर भी भागीदारी दिखाई है विधानसभा चुनावों में भी, और जिस तरीके से अब बात की जाए हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर भी फिलहाल भागीदारी पूर्ण रूप से केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की तरफ से दिखाई जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए मैंने आपको बताया कि अपने कार्यकर्ताओं को आगामी जो चुनाव का है इसको लेकर मूल मंत्र देते हुए नजर आए और उनको मजबूत करने के लिए देते उनसे बातचीत करते हुए नजर आए, सभी कार्यकर्ताओं से सम्मान की बात करते हुए नजर आए, क्योंकि आज जो दिल्ली से करनाल तक उनको जाना है और दिल्ली से करनाल तक के जितने भी विधानसभा पड़ते हैं सभी विधानसभा के जो कार्यकर्ता हैं उनसे मुलाकात रहने वाली है। जी चलिए, बेहद शुक्रिया लाजपत हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए कार्यकर्ताओं से मुलाकात और कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, और साथ ही सोनीपत में उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की, उसके बाद उनके और भी कई कार्यक्रम आज रहने वाले हैं। बात की जाए करनाल की और पानीपत की तो वहां पर भी उनके कार्यक्रम रहेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, और भी कई अन्य कार्यक्रम आज केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि पूरा साढ़े नौ साल का कार्यकाल उनका रहा है मुख्यमंत्री के पद पर, और उस दौरान जो उनकी विधानसभा में भागीदारी देखी जा रही थी फिलहाल उसी तरीके की तस्वीरें भी सामने आ रही है। इस वक्त भी वो उतने ही पार्टिसिपेट करते हुए नजर आ रहे हैं, उतने ही हरियाणा के लिए भागीदारी दिखाते हुए भी नजर आ रहे हैं। कोई राजनीतिक सिस्टम देश में नहीं था, कांग्रेस को